तो हाथ जोड़ के मैं उनसे आज्ञा मांगी, जगा दूँ आपको, अब मैं मच्छरदानी को खोल दूंगी। मच्छर भी आने लगे हैं, इसलिए मच्छरदानी में ही लिटाते हैं जिससे हमारे प्रभु को मच्छर ना लगे। अब इन्हें बहुत ही लाड़ दुलार प्यार से इनको जगा दी। धीरे धीरे सहलाते हुए, हाथ पैरों को दबाते हुए, सुबह सुबह जागने में बच्चों के बहुत नखरे होते हैं। बस ऐसे ही हमारे माता जी थोड़ा सा नखरे करते हैं और उठ जाते बहुत प्यार से। उठो बेटा, माता उठो। देखो कितनी अच्छी नींद सो रहा है कि इनका तो जैसे उठने का दिल ही नहीं कर रहा है। लेकिन अब उठना तो पड़ेगा ना आपको, आ जाइए, उठ जाइए, आ जाइए आराम से, धीरे से। बस अब मैंने बिठा लेती हूँ और अब मैं इनका बिस्तर भी हटा दूंगी, इन्नेट हटा के इनकी रख दूंगी। माधव राधे राधे, देखो तो जरा हमारी माता जी के चेहरे पे कितनी प्यारी मुस्कान है। बहुत अच्छी नींद आई जैसे, है ना माता जी, नींद अच्छी आई। तो अब मैं इनके पास से इनकी नेट हटा दूंगी और इन्हें इसी खाट पे बिठा दूंगी। तो आइए ये हटा देती हूँ, मैं बस इन्हें बिठा देती हूँ और इनके हाथ के नीचे मैं कुशन लगा दूंगी। गोल कुशन है तो मैं ये लगा देती हूँ जिससे इनके हाथ को थोड़ा सा आराम मिल जाए। मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि मैं लड्डू हटा दूँ जिससे कि थोड़ा सा हाथ को अपने सीधा कर सकें। पता नहीं क्यों दिल में एक नहीं बहुत बार ये इच्छा उठती है कि मैं इनको थोड़ा सा ये हाथ पर हिला लेते, मैं इनको सीधे लिटा देती। तो बहुत इच्छा होती है, खैर प्रभु मेरे सपनों में तो ये इच्छाएं मेरी सारी पूरी कर देते हैं। पर क्या करूँ, इनको देख के बहुत ऐसा एहसास होता है। अब इनके हाथ पैरों को दबा दूंगी, इनका चेहरा पोंछ देती हूँ क्योंकि सो के उठे, थोड़ा आँखों को और इनके होठों को पोंछ देती हूँ और अब पानी पिला दूँ। सुबह सुबह प्यास भी लगती है ना, पता नहीं रात में उठ के इन्होंने पिया पानी या नहीं पिया, ये भी नहीं पता है ना मुझे। पानी रख तो देती हूँ लेकिन छोटे से शरारती हैं, आप इनको दूध पिला देती हूँ। सो के उठ के भूख जरूर लगती है ना बेटा, तो दूध पिला देती हूँ। कभी कुछ ये खाते हैं, कभी कुछ ये नहीं खाते हैं, जैसी इनकी इच्छा होती है ये उसी तरह से करते हैं। तो आज इन्होंने दूध पिया है और एक बादाम खाया है। दूध ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, हल्का सा गुनगुना दूध, उसमें आप चीनी या मिश्री डाल दीजिए और फिर पिलाइए। तो अब मैंने इन्हें सिंहासन पे बिठा दिया है और इनके स्नान की व्यवस्था कर लेती हूँ। तो इनके स्नान की व्यवस्था हो गई है, आइए लड्डू गोपाल जी, आइए मेरे माधव जी। अब हमारे माधव जी स्नान करने के लिए सिंहासन से नीचे आ चुके हैं। तो बस इनकी स्नान करने की सारी व्यवस्था भी हो गई है। मैंने एक थाल रख लिया है, बाउल में चंदन ले लिया है और ये दक्षिणावर्ती शंख ले लिया है, सारी व्यवस्था कर ली है मैंने। तो दक्षिणावर्ती शंख को अलग रख देती हूँ और इस थाली में मैं एक तुलसी दल रख देती हूँ। ऐसा है ना, इनके नहाने के जो स्नान के लिए पात्र होता है ना, उसमें आप कभी भी इनको खाली ना बिठाएं, या तो तुलसी दल हो, फूल हो या स्वास्तिक बना ले। तो इनकी माला भी मैं अब उतार देती हूँ क्योंकि माला में ये सब चंदन लग जाएगा। तो बस लेकिन चैन नहीं उतारती, चैन तो बार बार उतार नहीं पाऊँगी ना, पहनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इनके पूरे में चंदन अच्छे से लगा के इनके पैरों में, इनके हाथों में, इनके सर में, आँखें छोड़ के आप बढ़िया से चंदन लगाइए और हल्के हाथों से मालिश कीजिए। फिर देखिए हमारे माधव जी कितने गोरे हो जाते हैं। चलिए करते हैं इनकी अच्छे से मालिश चंदन से और कराते हैं स्नान। आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम से जगाएं और उन्हें चंदन से स्नान कराएं, कभी दही से कराएं, कभी शहद से कराएं, कभी पंचामृत से कराएं और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं। फिर देखिए वो कितने खुश हो जाते हैं कि आपको उनके चेहरे से ही मालूम हो जाएगा कि आपके लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हैं। तो अब इनकी मालिश हो गई है अच्छे से, ये देखिए कितने गोरे गोरे होते जा रहे हैं। तो अब मैं इनको स्नान कराऊंगी। तुलसी दल तो मैंने पहले ही उनके पास रख दिया है
और अब दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के फिर मैं पहले उनके चरणों में अर्पित करूंगी, फिर हाथों से होते हुए फिर सर पे, क्योंकि डायरेक्ट सर पे पानी नहीं डालना चाहिए, इसलिए उनको इस तरह से नहलाएंगे। अब उसके बाद मैं ऐसे ही नहला देती हूँ क्योंकि उसे चंदन नहीं छोड़ता, तो मैंने इसी तरह से उनको दक्षिणावर्ती शंख से पहले करते हैं, उसके बाद मैं ऐसे ही नहला देती हूँ। अब मैंने अच्छे से पोंछ लूँगी। मैंने पहले भी बताया है कि पोंछना अच्छे से है, बिल्कुल भी पानी ना रह जाए, अगर पानी रह जाएगा तो वो काले पड़ जाएंगे। तो अब पहनाते हैं इनके वस्त्र। तो ये इनकी ड्रेस है जिसको मैं पीछे सही कर देती हूँ और आगे से भी थोड़ा घेर ठीक कर देती हूँ। बाकी फिटिंग तो कमरबंद से आती है, तो बांधते हैं इनके कमरबंद। ये कमरबंद है इनका, पहले चांदी का बांधते थे, एक्चुअली वो टूट गया है, तो इसलिए मैं राखी लाई और राखी से मैंने इनका कमरबंद बनाया हुआ है। तो मैं बस इसी को बांध देती हूँ, इससे फिटिंग अच्छी आती है। और जो इनका घेर है उसमें एक सेफ्टी पिन लगा दूंगी, जिससे कि जब ये सिंहासन पर बैठे तो इनका घेर अलग अलग ना